أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजरे आपके दिन? काफी गैप आ गया बीच में, क्लास को मिस किया। मैंने तो क्लास को बहुत ज्यादा मिस किया और एक शदीद एहसास हुआ कि कोई भी नेकी जो होती है वो अल्लाह की तौफीक से होती है, और अगर अल्लाह चाहे तो वो नेकी हम कर सकते हैं, वरना वो नेकी हमसे दूर कर दी जाती है। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, और कहते हैं ना कि अपने इरादों को टूटने से ही हम अल्लाह को पहचानते हैं। कि हम तो बहुत से इरादे करते हैं, बहुत सी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन जब उस तरह तकमील नहीं होती तो हमें पता चलता है कि एक सुपर पावर है जो पूरे निज़ाम को चला रही है। और हमारे चाहने से क्या होता है? होता तो वही है जो मेरा रब चाहता है। और अल्लाह सुबहानो ताला से कनेक्शन मुझे लगता है मुश्किलात में, मुसीबतों में, परेशानियों में और मजबूत हो जाता है, क्योंकि दुनियावी सहारे जिनको हम देखते रहते हैं, जिनकी तरफ हमारी निगाहें होती हैं, जब वो ही हमसे थोड़े से दूर हो जाएं या किसी प्रॉब्लम में आ जाए या किसी की हकीकत आपको नजर आ जाए, तो फिर आप अल्लाह की तरफ पलटते हैं और फिर वो ज़ाते बरहक याद आती है जो कि हमेशा से हमारे साथ। और हमारी माएं, आज का दिन भी ऐसा है, और मुझे पहले बहुत अफसोस हो रहा था कि क्लास मिस हुई, लेकिन जब हमने अपनी इस माँ उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा नहीं, ये अल्लाह की खास प्लानिंग थी कि आज की क्लास आज के दिन ही मुनक्किद हो, और इसका क्या रेलिवेंट ताल्लुक है ये हम आज देखेंगे। आइए अपनी नशिस्त का बाकायदा आगाज करते हैं। रब्बी शराहली सदरी वयसरली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफकहु कौली। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फकहना फिद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वआइज़नी मिन शर्री नफ्सी। अल्लाहुम्मा नफ़ाना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़ऊना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी यसिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे अपनी प्यारी माँ उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। एक बहुत ही अजीम खातून जो हमें सिखाएंगी सबर क्या होता है, कनात क्या होती है, और अल्लाह की राह में जब मुश्किलात आ जाएं तो इस्तकामत के बाद कितने बड़े बड़े फल मिलते हैं। और जरूरत इस बात की है कि जितनी भी मुश्किलात आ जाएं डटे रहना है, अल्लाह की राह में लगे रहना है, क्योंकि अगर मुड़ गए तो हम बदनसीब हो जाएंगे। इनका नाम है रमला, लेकिन ये मशहूर थी उम्मे हबीबा की कुनियत से। उम्मे हबीबा यानी हबीबा की अम्मी, इनकी बेटी का नाम था हबीबा और इसी कुनियत से ये मशहूर थी। जैसे उम्मे सलमा जो थी उनका नाम था हिंद, लेकिन वो उम्मे सलमा के नाम से मशहूर थी, इसी तरह हमारी ये माँ उम्मे हबीबा के नाम कुनियत से मशहूर थी और इनका नाम था रमला। इनके वालिद का नाम था सखर बिन हर्ब, जिनको बहुत कॉमनली हम अबू सुफियान के नाम से जानते हैं। अबू सुफियान का नाम था सखर बिन हर्ब, जिनको दुनिया अबू सुफियान के नाम से जानती है। तो अबू सुफियान क्या हुई उनकी कुनियत? सुफियान के वालिद, सुफियान के अबू। और अरब में ये बड़ा कॉमन होता था कि किसी को कुनियत से, ज्यादातर लोगों को कुनियत से पहचाना जाता था। अबू सुफियान बिन हर्ब अम्बी कुरैश के मशहूर सरदार की बेटी थी, यानी
अमीर थी, सरदार की बेटी थी, एक बहुत अच्छे तरीके से इनका ब्रॉटअप हुआ था, नाजो नखरे में पली थी, बड़ी थी। रमला बिनते अबी सुफयान, सखर बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ इनका नसब नामा है। वालिदा का नाम सफिया बिनते अबी उलआस बिन उमैया था। सफिया सईदना उस्मान जुलनूरैन रजी अल्लाह ताला अनहो की फुप्पी थी, यानी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहो इनके फुप्पीजात भाई थे। हजरत उम्मे हबीबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 17 साल पहले पैदा हुई थी, यानी कि इन्होंने इस्लाम का इब्तदाई दौर देखा था। और जब इस्लाम आया था और बहुत ही हक और बातिल की जंग बहुत ज्यादा चल रही थी, ये उन चंद लोगों में थी जिन्होंने अव्वल दौर में इस्लाम को कबूल कर लिया था और बहुत मुश्किलात का सामना किया। अब जरा अपने पे लाके देखते हैं, आज बहुत ज्यादा लोग जो कहते हैं, मुझे मिलते हैं और इर्द गिर्द जो मैं देखती हूँ, कहते हैं इस्लाम को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्या करें, अब दुनिया तो एक अपनी एक डगर पे चल रही है और हम एक क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सरदार की बेटी हैं यानी इलीट क्लास में आती हैं, खालिद जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ हैं। और हमने देखा है कि बहुत बाद में ये लेटर ऑन इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट इन्होंने बहुत सी चीजें कही। ये वो ही अबू सुफयान है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत उनके चचा अबू तालिब से की, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा लें वरना हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो अबू सुफयान उस ग्रुप ऑफ पीपल में थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश की गई तो वो जो ग्रोह था उसमें भी अबू सुफयान शामिल थे। गजवाए बदर जिन लोगों को याद है, जो काफिला गया हुआ था जिसको रोकना था और जो रुक नहीं सका और वापस मक्का चला गया, वो भी अबू सुफयान की लीडरशिप में था। और गजवाए ओहद के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट खड़े थे। सोचिए कितने प्रोमिनेंट कह सकते हैं कि इस्लाम के खिलाफ उस वक्त की पर्सनालिटी, और उनकी बेटी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा रमला जो थी उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो क्या उनके लिए आसान होगा? आज हम कहते हैं ना, हम अपने वालिद के खिलाफ या हम हक पे नहीं खड़े हो सकते। बहुत सी बच्चियां जो हिजाब लेना चाहती हैं, इस्लाम को फॉलो करना चाहती हैं, उनके वालिदैन नहीं करने देते। हाय हाय, फिर रिश्ता कैसे आएगा, फिर ये कैसे होगा, फिर वो कैसे होगा। और ये खड़ी हो गई, जब इन्हें हक की पहचान हो गई तो वालिद के पीछे नहीं खड़ी रही कि ठीक है अब मैं क्या करूं, मेरे वालिद जो हैं वो दुश्मनान इस्लाम की लिस्ट में अव्वल नंबर पे हैं। अल्लाह जब हिदायत देता है, जब हक और बातिल की पहचान हो जाती है, फिर कोई रिलेशनशिप मैटर करता है। लेकिन इस्लाम इतना प्यारा दीन है जो हमें ये भी सिखाता है कि अगर आपके वालिदैन हक पे नहीं है या वो किसी और रास्ते में है या वो दीन को फॉलो नहीं कर पा रहे या अल्लाह ने भी उनको हिदायत नहीं दी, तो हमें क्या उनसे बदतमीजी करनी है? फिर हमें उन्हें नेम कॉल्स करने हैं या हमें उनसे बदतमीजी करनी है कि आपको तो अक्ल ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है। और इतना खौफ आता है सुन के कि आजकल के बच्चे जब माँ बाप को कह रहे होते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है, आपको पता ही क्या है, आप तो पुराने जमाने की औरत, कितना कॉमनली हम कह रहे हो। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर वालिदैन हक पे नहीं भी हैं तब भी एहसन तरीके से उनसे मिलें, मामलात करें और बहुत अच्छे तरीके से उनकी फरमा बरदार रहें। और यही किरदार होना चाहिए आजकल की बच्चियों का। तो इन्होंने बहुत इब्तदाई दौर में इस्लाम कबूल कर लिया और इनका पहला निकाह था उबैदुल्ला बिन जाहश रजी अल्लाह ताला अनहो से, जो किसके भाई थे? अगर किसी को याद हो, हमारी एक माँ थी, उनके भाई थे अबैदुल्ला बिन जाहश, हजरत जैनब बिनते जाहश रजी अल्लाह ताला अनहा के भाई थे। तो ये पहले क्या बनी थी, हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो भी हमारी उम्मत की एक माँ है, उनकी क्या थी, भाभी। सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह उबैदुल्ला बिन जहश से हुआ जो हर्ब बिन उमैया के हलीफ थे और इन्हीं के साथ मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और अपने शोहर के हमरा हब्श को हब्श की तरफ उन्होंने हिजरत की। जब हिजरत का हुक्म आया तो पहली हिजरत जो इब्तदाई मुसलमानों ने की थी वो हबशा की तरफ थी और उसके बाद
दोबारा जब हुक्म हुआ तो फिर हबशा से मदीना मुनवरा की तरफ हिजरत की गई थी। जो सहाबियात इन दोनों हिजरतों में शामिल थे उनको जुल हिजरतैन कहते हैं। हमारी ये माँ भी उन्हीं में शामिल थी। इन्होंने पहले हबशा की तरफ हिजरत की और वहां से कहाँ पे हिजरत की, मदीना मुनवरा की तरफ। हबशा जैसे मिस्र में जो भी रूलर होता था उसको फिरौन कहते थे। फिरौन वॉज अ टाइटल, जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, फिरौन वाज अ टाइटल, गवर्निंग अथॉरिटी। तो हबशा का जो भी रूलर होता था उसको शाहे हबशा। उस वक्त जो हबशा का रूलर था उनके नाम था असहमा, जो बाद में मुसलमान हो गए थे। हबशा के रूलर का नाम था असहमा, बाद में मुसलमान हो। जब हमारी माँ उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अनहा तरफ, तो वहां पे उनके यहाँ एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हबीबा रखा, और इसी के नाम पर उम्मे हबीबा इनकी पड़ गई। उनकी बेटी का नाम क्या था, और इसी कुनियत से वो मशहूर हो गई। जब हबीबा चली गई, सोचें पास कुछ दयारे गैर में ले जाएगा, और आजकल की फैसिलिटीज तो नहीं थी, कुछ भी पास नहीं होता था। की तरफ चली गई छुपते छुपाते, पास कुछ भी नहीं लेके गई। जब हबशा पहुंची, पास कुछ भी नहीं है, शौहर वहीं पे बेटी की विलादत हुई है, तो सोचिए कितनी मुश्किलात हुई। एक दिन जब वो उठी तो उन्होंने देखा, उन्हें ख्वाब आया जिसमें उन्होंने अपने शौहर उबैदुल्ला को निहायत भयानक शक्ल में देखा। अपने शौहर को, जो अव्वल तौर पे इस्लाम लाने वालों में से थे, हजरत अब्दुल्ला बिन जाहश रजी अल्लाह अन्हों को बहुत भयानक शक्ल में देखा। और जब उठी और उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, मुझे तो दुनियावी दीनों में नसारा का दीन सबसे अच्छा लगता है। हबशा में ज्यादातर आबादी ईसाइयों की थी और वो मुर्तदे इस्लाम हो चुके थे और ईसाई कन्वर्ट हो गए थे। हमारे लिए बहुत ज्यादा डरने की बात है। अगर हम आज दीन पे हैं तो इसमें टोटली अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह का खालिस करम है। बहुत से लोगों को देखा गया है कि उनको दीन मिलता है, उनको अल्लाह की मार्फत होती है, लेकिन फिर वो राह से हट जाते हैं। क्यों कहते हैं, कंपनी अच्छी लगे, इर्द गिर्द के लोग अच्छे रखे। ये अव्वल कहते हैं ना ईमान लाने वाले थे, हबशा की तरफ हिजरत की। हबशा में ज्यादातर लोग कौन थे, ईसाई क्रिश्चियन से। जब उनमें बैठना शुरू हुए तो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, जैसी कंपनी है वैसे ही होंगे, इसके तो रंग ढंग बदल गए हैं, इसकी दोस्तें जैसी हैं, ये तो वैसी ही होगी है। जैसे लोग थे वैसे होने लगे, और असाइयत का इतना असर हुआ ईमान के, बस अल्लाह की कोई ऐसी आजमाइश आई कि ये मुर्तिद हो गए और ये ईसाई हो गए। और इनकी बीवी जो बहुत पक्की मुसलमान थी, ख्वाब में उनको आ गया, उनको अजीब सी शक्ल नजर आई, जब उन्होंने दरियाफ्त किया उन्हें पता चला ईसाई हो चुके। क्या एक मुसलमान का और एक गैर मुस्लिम का निकाह हो सकता है? नहीं नहीं ऐसे ही पता चला कि वो मुर्तदे इस्लाम हो चुके हैं तो निकाह बातिल हो जाता है, निकाह टूट जाता है। उसके बाद सोचे जरा कंडीशन, मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल कंडीशन थी हमारी माँ की, बच्ची पैदा हुई है ख्वाब दियारे गैर में। मतलब कितने लोगों को ही आप जानते होंगे, 3-4 लोगों को, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है, और पता चला वो जिंदगी का साथी है वो भी मुर्तदे इस्लाम हो गया है। 2 सेकंड के लिए सोचिए, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह किसी पे यह आजमाइश ना लाए, लेकिन अगर हम पे ये कंडीशन आए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रोना पिटना, उसके बाद अल्लाह ताला से 100 शिकायतें कि मेरे साथ ही ये होना था, और फिर ये कहना कि या अल्लाह मैं तो इस्लाम पे इतनी अच्छी चल रही थी तो मेरे साथ हुआ, ये तो बड़ा जुल्म है, ये तो बड़ा कहर है। ये बातें हम बोलते हैं, मेरी माँ ने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला, कोई आहो बका नहीं की, किसी से मदद नहीं मांगी, सिर्फ अल्लाह को पुकारती रही, पुकारती रही, पुकारती रही। और जब मुश्किल वक्त में अल्लाह को पुकारा जाए और इस्तकामत से खड़ा रहा जाए तो कितना बड़ा इनाम मिला। देखिए उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, उबैदुल्ला बिन जाहश के इंतकाल के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स या उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकार रहा है, जिससे मैं चौंक गई। फिर यकायक इसकी ताबीर दिल में आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में आने का इशारा है। सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जब मेरी इद्दत खत्म हुई तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा।
हमें बड़े बड़े ओहदे चाहिए ना, बड़े बड़े रिवॉर्ड चाहिए और मुश्किलों से हम गुजरना चाहते हैं। नहीं, अच्छा थोड़ी लगता है मुश्किल आ जाए, अच्छा थोड़ी लगता है परेशानी आ जाए। इस्तकामत से जब आप खड़े रहेंगे अल्लाह की राह में, तो यकीन जाने उसका एंड बुरा नहीं हो सकता। इतना बड़ा इनाम मिलेगा कि आप खुद सोचते रह जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो इनके शौहर थे अब्दुल्ला बिन जाहश, जब ये ईसाई हो गए थे तो ये गलत सोहबत में इतने पड़ गए थे कि इतनी ज्यादा शराब नोशी शुरू कर दी थी और इतने बुरे कामों में पड़ गए थे कि इसी कंडीशन में उनका इंतकाल हो गया और इन्होंने इद्दत पूरी की। कुछ लोगों का जो एक हमें रिवायत मिलती है वो ये मिलती है कि जैसे ही इन्हें पता चला कि वो ईसाई हो गए तो निकाह खत्म हो जाता, निकाह वैलिड नहीं रहता, तो फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आ गया। लेकिन वल्लाहु आलम, जो भी चीज थी, जिस रिवायत को भी आप सही जाने, वो पीरियड कितना मुश्किल होगा। कहते हैं ना, गम की एक रात भी हजार रातों के इक्विवेलेंट हो जाती है, वो लम्हे नहीं गुजर होते। बंदा कहते टाइम नहीं गुजरा, लेकिन सकामत से खड़ी रही और अल्लाह ने कितना बड़ा रुतबा दे दिया, तमाम उम्मत की माँ बना दिया हमारी प्यारी हजरत रमला रजा अनहा। उधर जब हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में पता चला कि सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अनहा बेवा हो गई हैं या फिर उनके शौहर मुर्तद हो गए हैं, तो उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जाबिराना थी, नहीं थी ना, जबर तो नहीं करते थे हमेशा। जब ऐसी चीजें देखते थे, हमने अभी तक ये देख चुके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम निकाह मसलहतन हुए। क्या चाहते थे? अबू सुफयान जो दुश्मन इस्लाम अव्वल है, उनकी बेटी अगर इस्लाम मुसलमान थी, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाए, तो हमने देखा था कि अरब वाले रिश्तेदारी का बहुत पास रखते थे और इस तरह बहुत से जो उनके कबीले थे वो मुसलमान हो जाते थे। ये सोचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरा, इस्लाम की राह में इतनी मुश्किलात आई हैं तो फल तो मिलना ही था, और सबसे बड़ी बात, जब अल्लाह ताला किसी बात का लिखना हो कर दे और नबी को पता चल जाए तो कैसे हो सकता है कि वो बात ना हो। क्या हुआ कि उनको निकाह का पैगाम भेजा और कहा, अगर चाहें तो मुझसे निकाह कर ले, अगर किसी और से करना चाहें तो कर ले। ये है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। आज जो मर्द जाबिर और हाकिम बन गए हैं और बहुत सी औरतों को कहते हैं कि अच्छी बीवियां बनो, अच्छी बेटियां बनो, अपने किरदारों को भी तो चेक करें। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जबर नहीं किया था, हमेशा प्रोपोजिशन दे दी थी, ये है ये है, आप चाहें तो ये कर लें। और मसलहत क्या थी? कि इस्लाम का बोल बाला हो जाए। ये कहाँ पे थी? ये हबशा में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम निकाह भेजा और पैगाम निकाह लेके गए अमर बिन उमैया जुमरी। वो वहां पे गए और नजाशी शाह हबशा के पास इस गर्ज से गए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह का पैगाम दे दे। जब शाह हबशा नजाशी, जिनका नाम था अशहमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का पैगाम लेके बादशाह के पास आए। अब बादशाह जो था वो मुसलमान हो चुका था, जिनकी जिन्होंने हिजरत हबशा पढ़ी है तो बड़ी खूबसूरत एक तकरीर है जिसमें सूरह मरियम की आयात तिलावत की गई थी, और बादशाह ने जब वो सुनी तो ऐसे दिल पे असर हुआ, इस्लाम ले आया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम आया है कि वहां पे एक हमारी सहाबी हैं और मैं चाहता हूं कि उनसे मेरा निकाह हो जाए। और पैगाम जब पहुंचा तो बादशाह ने खास खिदमतगार बांधी, अब्रहा को सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास ये कहला भेजा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे पास पैगाम आया है कि अगर तुम्हें मंजूर हो तो अपनी तरफ से किसी को वकील मुकर्रर कर लो और मैं तुम्हारा निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दूं। जैसे ही ये खबर, ये क्योंकि ख्वाब में देख चुकी थी कि इनको या उम्मुल मोमिनीन कहके पुकारा गया, इशारा मिल चुका था और जानती थी कैसा होना है। जैसे ही बांदी अब्रहा ये खबर लेकर आई तो उन्होंने बांदी को दुआ दी और कहा, अल्लाह ताला तुझे भी खैर की खुशखबरी सुनाए। हमें क्या मिलता है अपनी माँ से? जब भी कोई खुशी की खबर दे तो उसको दुआ दिया करें।
दूसरी बात है हर वक्त दूसरे के लिए दुआ करें। ये वो तोहफा है जो आप बगैर किसी तकलीफ के दे सकते हैं, बगैर पैसों के दे सकते हैं इजीली। और इतनी बड़ी बात है कि जब किसी को हम दुआ देते हैं ऑटोमेटिकली फरिश्ते हमारे हक में वो दुआ कबूल कर देते हैं और क्या कह रहे थे, आमीन, या अल्लाह इसको भी ये चीज अता कर। और इस खुशखबरी और बिशारत के इनाम में हाथों के दोनों कंगन, पैरों की पाजेब और उंगलियों से अंगूठी छल्ले जो सब उन्होंने पहने हुए थे अब्रहा को दे दिए और खालिद बिन सईद बिन अल आस को अपना वकील मुकरर किया जो ददेहाल की तरफ से रिश्तेदार थे और हिजरत करके हबशा में मुकीम थे। यानी वकील उन्होंने अपने भतीजे खालिद बिन सईद बिन अल आस को मुकरर किया और फिर उन्होंने निकाह के लिए हामी भर ली। जब शाम हुई तो बादशाह नजाशी ने हजरत जाफिर बिन अबी तालिब और वहां के मुसलमानों को बुलाया, खुतबा निकाह पढ़कर खुद निकाह पढ़ाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 400 दिनार मेहर अदा किया। इसके बाद कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाइश की है कि उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान का निकाह इनसे कर दूं, लिहाजा मैंने इनकी फरमाइश कबूल की और 400 दिनार मेहर पर उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मैंने आपका निकाह कर दिया। इसके बाद खालिद बिन सईद इब्न अल आस ने खुतबा पढ़ा और कहा, मैंने हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफयान का निकाह कर दिया। जिससे हमें क्या पता चलता है कि निकाह गायबाना हो सकता है अगर दोनों पार्टीज मौजूद नहीं है एक जगह पे। टेलीफोनिक निकाह होते हैं ना, नेट पे होते हैं, तो हमें किस से पता चलता है कि हमारी प्यारी माँ हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैबी तौर पे हुआ था। पैगाम निकाह गया, वहां पे उनके वकील थे दुल्हन के, वहां पे निकाह पढ़ाया गया और निकाह हो गया। उस वक्त हजरत जो थी हमारी माँ कहाँ पे थी, हबशा में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे, मदीना में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ऐसा निकाह हो सकता है, तो हो सकता है और इसकी एग्जांपल हमें अपनी माँ से मिलती है। बादशाह ने 400 दिनार मेरे सामने रख दिए जो खालिद बिन सईद ने सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में भेज दिए। इस तरह निकाह की तकरीब इंजाम पजीर हुई। निकाह के बाद जब लोग रुखसत होने लगे तो बादशाह ने कहा, अभी बैठिए, हजराते अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि निकाह के बाद वलीमा किया जाए। किसकी सुन्नत है ये? नबियों की सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि निकाह के बाद वलीमा किया जाए। अभी एक दुखती रग पे हाथ रखने लगी हूँ, बड़ा सख्त बुरा लगेगा किसी को, कोई सुनेगा उसको बात अच्छी नहीं लगेगी। मुझे समझ नहीं आती कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिदात में हम किस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि मेहंदी बारात और वलीमा तो था, अब नई चीज हमने निकाल दी शेंदी। अल्लाह के बंदो, ये शेंदी चीज क्या है? पहली बात, निकाह आराम से मस्जिद में किया जाए, कोई जरूरत नहीं बड़े फंक्शंस की। उसके बाद वलीमे की तकरीब करना सुन्नत है, ठीक है, अपनी हैसियत के मुताबिक, जो आपकी एबिलिटी है, चाहे 4 लोगों को खिलाएं, चाहे 10 को खिलाएं, कर्ज लेके ना खिलाएं, वलीमा कर दें। शेंदी क्या होती है? बरात और वलीमा हमने इकट्ठा बना दिया। अब आप मुझे बताएं, ये दीन में खुद साख्ता चीजें नहीं है, ये बिद्दत नहीं है? और कितने प्राउडली हम कह रहे हैं आजकल, हम शेंदियों में जा रहे हैं, शेंदियों में, मैं कहती हूँ अजीब, ये है दीन को अपने लिहाज से तोड़ना मरोड़ना और फिर अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से कर देना। मेरी प्यारी बहने और तमाम भाई भी अगर कोई सुन रहे हैं, खुदा के लिए, दीन एज कन्वीनियंस नहीं है, दीन वही है जो हमें पहुंचा दिया गया है। निकाह करिए, सादगी से करिए, लड़की वालों पे किसी किस्म का प्रेशर मत डालिए। दो बंदे जाएं, बच्ची को ले आएं और वलीमा उतना करिए जितनी आपकी हैसियत है। कर्जे ले लेके इतने बड़े बड़े वलीमे हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। और शेंदी जैसी कोई चीज है नहीं, ये बात वेरी क्लियरली अपने माइंड में बिठा लीजिए। वलीमा हो गया, इसने खाना अच्छा सा पेश किया, जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो रुखसत हो गए।
जब मेहर की रकम सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में पहुंची तो अब्रहा बांदी को बुलाकर 50 दिनार और दिए। अब्रहा ने 50 दिनार और जो जेवरात पहले से दिए गए थे ये कहकर आपको लौटा दिए कि बादशाह ने मुझे ताकीद कर दी है कि आपसे कुछ ना लूं, और यकीन कीजिए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदार बन चुकी हूँ और अल्लाह सुभान व तआला के लिए दीन इस्लाम को कबूल कर चुकी हूँ। जब किसी को दीन जैसी नेमत मिल जाती है ना, फिर दुनियावी चीजें बहुत छोटी लगती है। लौंडी थी, सोना मिला, कितनी खुश होनी चाहिए, होना चाहिए था। 50 दिनार और मिल गए, उन्होंने वापस कर दिए और क्या कहा कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। उसके बाद उन्होंने बताया कि आज बादशाह सलामत ने अपनी तमाम बेगमात को हुक्म दिया कि इनके पास जो खुशबू और इतर हो इसमें से जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया भेजे। चुनाचे अगले रोज अब्रहा बहुत सा ऊद, अंबर और दूसरी बहुत सी चीजें लेकर आपके पास आई। उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने वो ऊद और अंबर वगैरह सब रख लिया और अपने साथ हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाई। फिर अब्रहा ने कहा, मेरी एक नियाजमंदाना दरख्वास्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में मेरा हदिया सलाम पहुंचाइएगा और अर्ज करिएगा कि मैं आपके दीन की पैरोकार हो गई हूँ। जब दिल इस्लाम पे आ जाता है, जब हकीकत पता चल जाती है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं सही तरीके से जान लिए जाते हैं, तो दिल नहीं करता उड़ के उनके रोजे पे चला जाया जाए। उनकी कोई बात हो तो कहें हमारा सलाम पहुंचा दीजिए। और आज हम बड़ी बड़ी नेकियों के करने के शौक में छोटी छोटी नेकियां भूल चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कैसे हदिया दे सकते हैं, आज के जमाने में तोहफा कैसे दे सकते हैं, कौन बताएगा? अगर मैं चाहती हूँ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जाने और मैं उनको तोहफा दूं, तो आज मैं कैसे उनको दे सकती हूँ? दरूद शरीफ वो तोहफा है कि कहते हैं जब एक बंदा पढ़ता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया जाता है और कहा जाता है आपके फलां बंदे ने आपके लिए ये पूछा। और अब ये देखिएगा, सेल्फ असेसमेंट का पॉइंट है मेरे लिए और आपके लिए कि मैं कहती तो हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इतना आसान सा तोहफा मैं उनको कितना भेजती हूँ? बहुत कम, बहुत कम। तो आज से अमल का पॉइंट क्या है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आए, जब उनकी बात आए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और इस गर्ज से पढ़ें कि इंशाल्लाह कल जब हम उनके सामने पेश होंगे तो वो हमें जानते हैं। अब यहां से सईदा फरमाती है कि मेरी रवानगी तक अब्रहा का ये हाल था। ये हाल ऐसा है जैसे तड़प रहा था ना एक बंदा किसी के हजूर पेश होने के लिए। तो लौंडी का क्या हाल था कि मेरी रवानगी तक अब्रहा का ये हाल था कि जब भी आती यही कहती कि देखो मेरी दरख्वास्त को भूल ना जाना। चुनाचे जब मैं मदीना मुनवरा पहुंची तो ये तमाम हालात और वाकयात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किए। आप इन्हें सुनकर मुस्कुराते रहे। आखिर में जब मैंने अब्रहा का सलाम पहुंचाया तो आपने सलाम का जवाब दिया। कितनी ब्लेस्ड थी ये लौंडी के सलाम का जवाब खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। अज़वाजे मुतहरात का महर 12.5 ओकिया ही था और इसी पर अमल किया जाता था। अलबत्ता शाह हबशा नजाशी ने उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा का महर 400 दिनार अदा किया, जो बादशाह ने अपनी हैसियत और शान के मुताबिक और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अफजाई की खातिर अदा किया था। और कहते हैं ये सबसे ज्यादा मेहर है जो मुहातुल मोमिनीन को दिया गया था। निकाह के दूसरे रोज नजाशी ने सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास खुशबू और जहेज का सामान भेजा और हजरत शरहबील बिन हसना रजी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा इन्हें मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगी और इनका मुबारक ख्वाब जिसमें किसी ने या उम्मुल मोमिनीन कहकर इनको पुकारा था सही साबित हुआ। सईदा के निकाह की तकरीब 6 या 7 हिजरी में मुनक्किद हुई। कहा जाता है जब ये मदीना मुनवरा आई तो इनकी उम्र मुबारक 30 साल से ज्यादा थी।
कुछ रिवायात कहती हैं कि 36 ईयर्स थी, कुछ कहती हैं कि 37 ईयर्स थी। इतनी मुश्किलात के बाद मिला इनको इतना बड़ा फल, और इस फल को संभालते संभालते हमारी माँ ने बहुत कुछ सीखा। अगर देखा जाए मुश्किल में थी जब मियाँ मुर्तिद हो गया, और जो इनके फादर थे वो क्या थे, मुशरिक थे। चाहती आसानी के लिए जा सकती थी ना वापस, सब कुछ वापस मिल जाता, आसान हो जाती जिंदगी, लेकिन इस्लाम को इन्होंने हर चीज पे फोकियत दी। अबू सुफियान जो इनके वालिद थे अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब हरमे नबूवत में दाखिल हुई तो इस जमाने में इनके वालिद अबू सुफियान हालत शिर्क में थे, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा दुश्मनी में आगे थे। जब उनको पता चला कि उनकी बेटी का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया, तो क्या रिएक्शन होना चाहिए था? गुस्सा, लान तान, बुरा भला कहना, ऐसे ही होना चाहिए था क्योंकि दुश्मन थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था, जब उन्हें पता चला कि उनका बेटी का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया, तो उन्होंने कहा वो जवान मर्द हैं, इनकी नाक नहीं काटी जा सकती। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद है, वो इज्जतदार हैं, हम इनको जलील नहीं कर सकते। इधर हम इनसे लड़ रहे हैं और उधर हमारी बेटी इनके निकाह में चली गई है, और वो इस बात पे बहुत खुश थे। अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि दुनिया जो मर्जी कहती रहे, दुश्मन भी ये कहने पे मजबूर हो जाए कि आला किरदार और अफजल किरदार है और मेरी बेटी अब सेफ है। बाप थे ना, फिक्र तो होती थी कि दयारे गैर में है, शौहर भी नहीं रहा, अब क्या होगा। और जब पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो गया तो खुश हुए, इंस्टेड कि उनको गुस्सा आता या वो किसी तरह की भी गुस्से में बात करते। अब हमने देखना है कि हमारी माँ की फजीलत क्या थी। बड़े बड़े रुतबे, बड़े बड़े ओहदे, बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिलते हैं। आप सारी यंग लॉट मेरे सामने बैठी हुई है जिनकी जिंदगियों के बड़े बड़े सफर भी शुरू नहीं हुए, आगे शुरू होंगे, और अल्लाह जाने किसके लिए क्या आजमाइश है। हमेशा याद रखिएगा, हर किसी ने अपनी जंग खुद लड़नी है। अल्लाह से खैर मांगें, और जब जिंदगी में अप्स एंड डाउन आए फिर इस्तकामत से खड़े रहें और अपने रब को पुकारते रहें। अगर हम अपनी इस माँ के फजाइल देखें तो उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर बड़ी पाबंदी से अमल करती थी। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन रात में 12 रकात नमाज पढ़ ले तो अल्लाह सुबहान तआला इनके लिए जन्नत में महल अता फरमाएगा। इस इरशाद पर फिर इस तरह अमल किया कि कभी भी उनके ये 12 नवाफिल नहीं छूटे। यानी जब पता चल गया, एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चल गई, उसके बाद कभी भी उनका वो अहकाम उन्होंने रद्द नहीं किया। सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा शरीयत में बहुत सख्त थी और बहुत सख्ती से शरीयत को फॉलो करती थी। जब उनके वालिद हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया तो 3 दिन के बाद उन्होंने खुशबू मंगाई जिसमें जर्दी थी, फिर इस खुशबू को अपने दोनों रुखसारों और बाजुओं पर मला, फिर फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, किसी औरत के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती है, हलाल नहीं कि किसी मरने पर 3 दिन से ज्यादा सोग करे, अलबत्ता शोहर के मरने पर 4 महीने 10 दिन सोग करे। तो मुझे इस वक्त खुशबू के इस्तेमाल की भी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल करने की गर्ज से खुशबू लगाई है। वालिद का इंतकाल हो जाए, आज जरा देखिए हम कितने कुन जहन हैं। किसी की वालिदा या वालिद का इंतकाल हो जाए या किसी भी करीबी रिश्तेदार का, अगर वो खुशबू लगा के फ्रेश कपड़े पहन के आए तो हम बातें नहीं करेंगे, इसको तो दुख ही नहीं है, इसको तो नहीं है, ये तो बस ऐसी ड्रामे करती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है कि 3 दिन के बाद आप नहाएं धोएं खुशबू लगाएं और उस दुख से बाहर आएं। लेकिन मियां बीवी का दिन रात का साथ होता है ना, तो कितनी एग्जेम्प्शन देती कि 4 महीने 10 दिन
जो कि इद्दत का पीरियड है, अगर उतने दिन तक वो दुख मनाती है तो ठीक है, क्योंकि उसको आहिस्ता आहिस्ता सबर आएगा, आहिस्ता आहिस्ता हौसला आएगा। क्यों कहा गया ये? क्योंकि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, हमें अल्लाह की तरफ ही वापस जाना है, और जिसको इस बात का यकीन है कि मैंने वापस चले जाना है और मैंने जाके इंशाल्लाह अपने प्यारे किसी भी रिश्ते से मिलना है, तो क्या वो दुखी होगा? क्योंकि हम तो खुद मुसाफिर हैं, हम इस मुसाफिर खाने में कब तक है ये अल्लाह जानता है। और मुझे लगता है कि अपनी स्ट्रगल को डबल कर देना चाहिए, जितना रोने धोने में या गम में वक्त गुजारना है ना, उतना अल्लाह को याद करें, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से कनेक्ट करें, दीन का काम करें, जो आपको अल्लाह के करीब करता है, जो भी तरीका वो करें। और सबसे ज्यादा आसान तरीका पता है क्या है? अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छे तरीके से पेश, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कोई आपकी मेड है, कोई आपका सर्वेंट है, कोई आपका कोई भी है। हम कहते हैं जो जिसके हम काम कर रहे हैं या जो हमारा बॉस है उससे तो हम बहुत अच्छे तरीके से पेश आए, और जो हमारे घर में हमारे माँ बाप है या हमारे बहन भाई हैं या घर में कोई भी है, उनसे हम लड़ लड़ पागल हो, उनको दस सुना भी आए, लेकिन बाहर तो हमें बड़े अच्छे अखलाक वाली हो, नहीं। अल्लाह की मखलूक के साथ जो अच्छी तरह रहेगा वो हमेशा खुश रहेगा, मुतमईन रहेगा और अल्लाह के बहुत करीब रहेगा। फिर एक बहुत कॉमन सवाल जो बच्चियां अक्सर करती हैं, लेकिन फलाने ने तो ये किया, फलाने ने तो ये किया है, मुझे देख के मुंह बनाया है, मुझे इल्जाम लगाया है, मेरे साथ ये करती है वो करती है। हमेशा के याद रखने, सबने अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाके अपना हिसाब किताब करना है और मुझे अपना आप सही रखना है, क्योंकि मैंने अल्लाह के आगे अपने जवाब दे हूँ, किसी के अमल की हूँ नहीं हूं ना, तो किसी के लिए क्या अपना आप खराब करना है। और एक और पॉइंट जो मैं आज जरूर कहना चाहूंगी, आजकल बहुत बड़ा फितना जो शुरू हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे मर्दों को, बहुत बुरे हालात हैं, बीवियों को उनके राइट्स भी नहीं दिए जा रहे, उनको अब्यूज किया जाता है, वर्बल अब्यूज है, कहीं गाली गलौज है, कहीं बुरे तरीके से, कहीं बुरे मारपीट है, अजीब अजीब हरकतें हैं, उसकी वजह से हमारी बहनें और बेटियां गलत सोहबत ढूंढना शुरू कर देती है कि ठीक है मुझे अगर एक जगह से टेंशन नहीं मिल रही तो मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी। ये टेंशन शैतान का वो जाल है जिसमें अगर आप एक दफा घुस गई ना, यकीन जाने आप निकल नहीं सकेंगे, और अल्टीमेटली ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम, मिलेगा आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये होगा कि आखिरत खराब कर ली जाएगी। तो मेरा मियाँ चाहे जैसा भी है, मेरी सास चाहे जैसी भी है, मेरी नंद जैसी भी है, जो भी आपकी लाइफ में आपका कहते हैं ना विलेन है, चाहे वो जैसा भी है, क्या हमने उसके लिए अपनी आखिरत खराब करनी है किसी तरह भी? कल एक इतनी प्यारी आंटी से मुलाकात हुई और उन्होंने इतनी प्यारी दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत को महफूज रखो। हमेशा याद रखिएगा औरतों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी इज्जत है, तो किसी के गलत रवैये की वजह से अपनी इज्जतों को कभी ना गवाएं। पता है मक्का से कबल उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिदे गिरामी अबू सुफियान जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, मौईदा हुदैबिया की तजदीद और तौसी के लिए मक्का मुकरमा से मदीना आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहते थे, तो वो अपनी बेटी से मिलने आए। अभी मुशरिक थे, अभी शिर्क पे थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था, बेटी जो थी वो उम्मातुल मोमिनीन बन चुकी थी, अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा दे दिया। और जैसे ही वो आए रूम में एंटर हुए, जैसे ही वो उनसे मिलने के लिए आए तो हमारी जो माँ थी उन्होंने बिस्तर पर वो बैठने लगे तो हमारी माँ ने बिस्तर लपेट दिया। तो उन्होंने जब ये देखा, अब सोचिए वालिद की मोहब्बत, बेटियां वालिद से बहुत अटैच होती है और एक एक्स्ट्रा मोहब्बत होती है, माँ से भी होती है लेकिन वालिद से थोड़ी सी ज्यादा होती है, नेचुरल है। अब वालिद इतने से बात मिल रहा है, सिर्फ पे अगर देखा जाए तो क्या रिएक्शन होता, गले लग जाती, अब्बा जान आइए बैठिए, उनकी बहुत खातिर में दारत होती। लेकिन इस्लाम को अव्वल लेवल पे रखा मेरी इस माँ ने हमेशा, क्या किया बिस्तर लपेट दिए। जब उनके वालिद ने देखा तो उन्होंने कहा ये क्या कर रही हो, क्या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं? तो उन्होंने क्या कहा जरा गौर से सुनिएगा, उन्होंने फौरन बिस्तर लपेट दिया। अबू सुफियान को गुस्सा आ गया और कहा कि बिस्तर क्यों उठा लिया है? तो मेरी माँ ने जवाब दिया
कि आप शिर्क पर हैं, आप मुशरिक हैं, और मुशरिक नापाक जिस्म वाला होता है, आप कैसे इस बिस्तर पे बैठ सकते हैं। कितने सख्त अल्फाज हैं, लेकिन कितने सही अल्फाज हैं, क्योंकि वो जानती थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा कितनी ज्यादा। एग्जाम्पल्स और कितनी ज्यादा चीजें हमारी माओ से हमें मिलती हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी शादियां ना होती और उम्मत की इतनी माए ना होती, तो हमें क्या इतनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिलती कि अगर इस सिचुएशन में फंस जाए तो क्या करना है, अगर ऐसे हो जाए तो क्या करना है, अगर वैसे हो जाए तो क्या करना है, शोहर मुर्तिदे इस्लाम हो जाए तो क्या करना है, तुम भी मुर्तिद हो जाए, नहीं उसको छोड़ दो, इस्लाम सबसे पहले है। जो लोग कहते हैं ना कि आजकल तो चीजें गलत हो गई है ना, रिश्ते करते हुए हम ये नहीं देखते कि इस्लाम कितना फॉलो किया जा रहा है, लड़का नमाज कितनी पढ़ता है, दीन को कितना फॉलो करता है, दीन की नॉलेज कितनी है, देखा जाता है घर अपना है या पैसे अपने, क्या क्या हालात है। लेकिन अगर शोहर इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा तो बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटी को कहने के लिए कि आप गुजारा करेंगे। अगर आप गुजारा करवा भी देंगे, आगे नस्लें कैसी पैदा होंगी और नस्लें क्या बनेंगी। और आप जो पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा हिस्सा होगा, जो नस्लें खराब हो जाएंगी। उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, विसाल से पहले उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास बुलाया उन्होंने और कहने लगी, मेरे और आपके दरमियान सोकनों वाले तालुकात थे, एक दूसरे की सोकन थी ना, यानी डिफरेंट बीवियां थी, अब उनकी डेथ होने वाली है, तो उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और कहने लगा, मेरे और आपके दरमियान सोकनों वाले तालुकात थे, अगर मुझसे आपके हक में कोई कोताही हुई हो तो खुदारा माफ कर दें। सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह ताला इन सब चीजों को माफ फरमाए और तुमसे दरगुजर फरमाए। सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुमने मुझे खुश कर दिया, अल्लाह ताला तुम्हें खुश व खुर्रम रखे। इस तरह सईदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी किया। आज हम दिल में ग्रजेस रख के बैठे रहते हैं, उसने मुझे ये कह दिया, फलाने ने मुझे ये कह दिया, मैं माफी नहीं मांगूंगी। लेकिन हमें अगर पता चल जाए कि कोई शख्स हमसे नाराज है या किसी भी तरह का, हमेशा एक काम जरूर करिए जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, माफी मांग लीजिए। अगला माफ करे ना करे वो उसका फेल है। आपको कम से कम ये नहीं होगा कि मैंने माफी नहीं मांगी। मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ कि वालिद और बेटे की लड़ाई हुई, कुछ उनके आपस में बातें ऐसी हुई कि बेटा गुस्से में नाराज होकर और अच्छी खासी बदतमीजी करके बाहर चला गया, पीछे वालिद की डेथ हो। वो बेटा आज तक कहता है, काश काश मैं तो उनसे माफी मांग लेता। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आने दे। गुस्से की दुरानिया कितना है, 10 मिनट 12 मिनट, और उस वक्त सिर्फ ये सोच ले। मेरे ख्याल में कोई इतना सख्त दिल नहीं होता कि कोई बंदा चाहे कि अगला बंदा मर जाए। अगर सिर्फ एक सेकंड के लिए ये सोच लिया जाए ना कि कल को अगर ये बंदा नहीं होगा तो ये लफ्ज जो मैं निकाल रही हूँ इसकी माफी मुझे नहीं मिलेगी और आगे तो मुझे हिसाब देना है। आपके मुंह से पहली बात है लफ्ज निकले कि नहीं, दूसरी बात है जो एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ गुस्सा होते हैं उसमें आप कंट्रोल कर लेंगे। और हमारी माँ ने क्या किया, मरने से पहले अपनी सोकनों तक से माफी मांग ली कि सोकनों वाले तालुकात थे, अगर मैंने चलो कुछ कर भी दिया। पहली बात हमने देखा बहुत फ्रेंडली तरीके से रहती थी, बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन इंसान थी ना। ये हमें क्या बताता है, इंसान होने का, इंसान तो कुछ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, तो मुझे माफ कर दिया जाए। इनका इंतकाल इनके भाई माविया से 1 साल कबल हुआ। इनके इंतकाल की डेट में बहुत सी डिफरेंट रिवायात हैं। हमारी माँ का इंतकाल मदीना मुनवरा में हुआ और जन्नतुल बकी में उनको दफनाया। ये थी दास्तान सीरत हमारी माँ उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। बहुत नेक सीरत थी उम्मे हबीबा, बड़ी खूबसूरत थी उम्मे हबीबा, था नाम इनका रमला नहीं है जो मारूफ, के मशहूर कुनियत थी उम्मे हबीबा, ये खुश थी नबी से नबी इनसे खुश थे, भली खुश तबीयत थी उम्मे हबीबा, हदीसें भी मनकूल इनसे हैं बेहद, अमीने रिवायत थी उम्मे हबीबा, नवाफिल भी कसरत से पढ़ती थी हर रोज, सरापाए इताअत थी उम्मे हबीबा, है उम्मत की किस्मत के माँ ऐसी पाई, बहुत बासआदत थी उम्मे हबीबा, उसामा हर एक का भला चाहतू भी,
यही ख्वा निहायत थी उमे हबीबा, यही चाहती थी हमारी माँ उमे हबीबा, जिन्होंने बहुत सी मुश्किलात देखी, जिन्होंने जिंदगी में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन फिर भी अल्लाह की अतात में, अल्लाह की राह में खड़ी रही, सरापाए अतात और फरमा बरदार बनी रही, हर किसी का भला चाहने वाली बनी रही और हमें सिखा गई कि अगर अल्लाह की राह में हम बड़ी बड़ी आजमाइशों पर सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह हमें बड़े रिवॉर्ड मिलेंगे, और अगर इस दुनिया में ना भी मिले तो इंशाल्लाह आखरत में हमें ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह सुबहानो ताला से दुआ है कि अल्लाह सुबहानो ताला हमें अपनी माँ की तरह कर दे, अल्लाह सुबहानो ताला हमें सब्र कनात वाला बनाए, अल्लाह सुबहानो ताला हमें ऐसा बना दे कि हम कल अपनी माँ के सामने प्राउडली कहें कि मेरी माँ, मैंने आपकी सीरत पढ़ी, उसे बहुत कुछ सीखा और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश की। अल्लाह सुबहानो ताला आपकी, मेरी, तमाम उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियां, मुसीबतें, आजमाइशों को दूर करे। अल्लाह ताला हमें शर्मो हया वाला बनाए, अल्लाह ताला हमारी औलाद को रहते दम तक इस्लाम का ताबे फरमा रखे, अल्लाह ताला हमें भी इस्तकामत दे, अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर करे, अल्लाह ताला हम सबको हज और उम्रे की सआदत नसीब करे, अल्लाह हमारे वालिदैन को सेहत कामला अता करे और हमारे शोहरों को हमारे हक में और हमें उनके हक में बेहतर कर दे। अल्लाह ताला किसी को भी औलाद की आजमाइश में ना डाले, जो लोग परेशान हैं किसी भी तरीके से अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात हल करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।